I'm ready, sir. Okay, sir. सबसे पहले तो congratulation. Film Surma जो trailer बहुत ही पसंद आ रहा है. Thank you, sir. Thank you. जो compliment मिल रहा है कि जो संदीप और आपको एकदम हूबहू जैसा लोगों को लग रही है. अरे ये तो संदीप ही है. पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा जिस तरह का गेटअप आपने बनाया है, जिस तरह का उनका गेटअप सेम. इस तरह का जो compliment बहुत ही कम मिलता है. तो क्या टेक होता है आपका जब ये फिल्म आने से पहले इस तरह के अरे हूबहू लग रहे हैं संदीप की तरह जी. ये संदीप पाजी की जो लुक है इसको जो क्रैक किया है वो शाद सर ने किया है जो हमारे डायरेक्टर हैं. तो उन्होंने सारी मेहनत की है. तो ये जब भी कोई ऐसा बोलता है तो मुझे शाद सर की याद आ जाती है कि उन्होंने ही सारी मेहनत की है लुक पे जैसा उनको चाहिए था. तो शाद सर का थैंक यू जी. ट्रेलर तो सर लोगों को पसंद भी आ रहा है. काफ़ी हमने एवी भी देखी थी. काफ़ी हार्डवर्क किया आप लोगों ने हॉकी के जरिए क्योंकि एकदम डिप्टो दिखना चाहिए. कुछ कितना कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है जब भी कोई फिल्म आती है या किसी के ऊपर फिल्म करनी पड़ती है या कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एक्टर. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है और मेहनत भी ज़रूरी है. बेसिक्स हैं ये सब चीज़ें करनी ही होती हैं. आई एम वेरी लक्की के संदीप पाजी ने खुद मुझे प्रैक्टिस करवाई फिल्म से पहले भी एक डेढ़ महीना और फिल्म के दौरान भी. तो मैं बहुत लक्की था कि संदीप पाजी जिन पे बायोपिक बन रही थी वो शुरू से लेके एंड तक इस जर्नी में मेरे साथ थे. कुछ शूटिंग से पहले कुछ एवी भी आपने उनकी देखी या कुछ? मैंने उनके मैचेस देखते और उनके इंटरव्यूज़ भी थे एक दो वो मैंने देखे थे. लेकिन जब आप फील्ड पर जाते हो तो चेंज हो जाती हैं चीज़ें. तो एक्चुअल तो तब पता चला जब मैं फील्ड पे गया जब हमने प्रैक्टिस शुरू की. पहले दिन दूसरे दिन 10-15वें दिन तो ऐसे लगता था शायद पता नहीं अभी ये शुरू भी नहीं हो पाया प्रॉपर कहाँ कैसे पहुँचूंगा कैसे कर पाऊँगा. लेकिन कुछ हमने 3-4 महीने एक साथ गुजारे हैं फिल्म के दौरान भी 2-3 महीने और उससे पहले भी 1-1.5 महीना. दिवाली पर भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे. दिवाली पर ना उन्होंने छुट्टी ली ना मैं ली क्योंकि टाइम बहुत कम था तो हम घर नहीं जा पाए. उन्होंने भी उनको भी था कि मेरे पे बायोपिक बन रही है तो बंदे को आना चाहिए प्रॉपर. तो मुझे भी था कि यार अगर बंदा खुद इतनी मेहनत कर रहा है खुद मुझे पाजी सिखा रहे हैं तो मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए. आपके अलावा बहुत और भी कई सारे स्टार कास्ट हैं इस फिल्म में. हाँ जी, तापसी हैं, अंगद बेदी जी हैं. अंगद बेदी हैं, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस है सेट का? कैसा विजय राज जी हैं बहुत. हाँ जी, हाँ जी, और बहुत अच्छे. एकदम कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. सतीश जी हैं. हाँ, बहुत बहुत अच्छा माहौल था. तापसी जी के साथ मैंने पहली बार फिल्म कर रहा था अंगद पाजी सब के साथ. बहुत मज़ा आया और बहुत ही प्यारा माहौल था सेट पे. अंगद पाजी इज़ लाइक अ बिग ब्रदर. वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं और उतना ही अच्छा उनका रोल भी है फिल्म में. जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा उनका रोल बड़ा बड़ा मज़ेदार उन्होंने काम किया है. और तापसी जी ने बहुत अच्छा काम किया है. विजय राज सर जी ने एक अपना नया एक उनका एक अपना एलिमेंट होता है वो डाला है उन्होंने बीच में. तो बड़ा अच्छा बड़ा मज़ा आया जी. एज एन एक्टर सर लीड फिल्म कर रहे हैं आप. इसके पहले हमने आपके और भी सारी फिल्में देखी है लेकिन इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर रहे हैं आपके साथ. तो ये सारी इस बार जो हुआ ऐसा कि सारी जिम्मेदारी आपको दी गई. ओ माय गॉड, प्रेशर फील करते हैं आप या फिर यार आप लोगों ने बोल बोल के लगा दिया. कल परसों से ना अच्छा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब मुझे पता था नहीं ये. हाँ जी, लेकिन इससे कल भी जो नहीं मतलब बस इतना कि क्या प्रेशर फील. हाँ जी, मैं पहले नहीं कर रहा था पाजी. अब जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि अब ये फुल फ्लेज्ड आपकी पहली सोलो फिल्म है आपके कंधों पर है सारा तो अब थोड़ा डर लगने लगा है कि यार. हाँ यार, अब पहले मैंने ऐसा फील नहीं किया पाजी. पहले तो मैंने जैसे बाकी फिल्में साइन की ये कर ली. लेकिन अभी जो आपने बात बोली है बड़ी खतरनाक बात है. अभी ये मुझे थोड़ा आई विश कि बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे इसलिए मैंने पूछा कि इस किरदार को लेकर प्यार करेंगे इसलिए आप और ढेर सारे प्रोजेक्ट. मैं हर चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ पाजी. चाहे जो भी रिजल्ट आता है आई एम रेडी. मुझे मैंने अपना 100% दिया है. बाकी भगवान की मर्जी है. और फिल्म का ट्रेलर अच्छा लगा लोगों को, फिल्म के गाने अच्छे लग रहे हैं लोगों को. आज एक गाना लॉन्च हो जाएगा, आज टाइटल ट्रैक है वो रिलीज़ हो रहा है. इश्क दी बाजियां अच्छा लगा है. और सब लेजेंड हैं. शाद अली सर ने अच्छी पिक्चरें बनाई हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं वो. गुलजार साहब, शंकर जी बड़े प्यारे और लेजेंड इंसान हैं सारे. तो अब जिम्मेदारी पड़ गई है तो फिर देखते हैं क्या होता है. लोगों को पसंद आ रहे हैं, ट्रेलर तो लोगों को पसंद ही आ रहे हैं. तो जब
फिल्म आने से पहले इतनी सारी चीज़ें लोगों को पसंद आती है, तो ऐसा हम मानते हैं कि अब फिल्म भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज का टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं कि अरे सब कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, फिल्म को लेकर क्या होगा, तो कुछ दिल में होता है या खुश हैप्पी होते कि अरे सब कुछ तो पसंद किया जा रहा, फिल्म भी पसंद हो? इंटरनेट, सोशल मीडिया या वैसे इन सब चीज़ों पे टिकट खिड़की पर कितना पहुंचते हैं लोग, चाहे टिकट खिड़की कह लो चाहे आप कह लो ऐप्स पे, जिस पे ऐप पे बुक हो जाती हैं टिकटें, तो वो कितने बदलते हैं उसमें, मतलब कितने लोग जिनको पसंद आया वो देखते हैं फिल्म, इस बात पे निर्भर करता है बात। फिल्म तो हमने मेहनत की है सब ने, और स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है पाजी की, मतलब ऐसी फिल्मी कहानी है कि मोहब्बत में हॉकी शुरू कर दी किसी बंदे ने, उसके बाद गोली लग गई उनको, पैरालाइज हो गए, तो ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने कैसे कमबैक किया दोबारा, कैसे कमबैक करके वो कैप्टन बने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, तो ये इंस्पायर तो करेगी स्टोरी। अब कितने बंदे इसको देखते हैं और ये कैसी इनकी मार्केटिंग रहती है, ये सब उन पर डिपेंड है, क्योंकि फिल्म बनाना एक डिफरेंट स्टोरी है, उसको रिलीज़ करना प्रॉपर मार्केटिंग से एक डिफरेंट स्टोरी है। मतलब दोनों पहलू अगर तगड़े रहें तभी आप सफल हो पाते हैं, और रिकॉल वैल्यू जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप कितना दिख रहे हैं उतना ही बिकते हैं, सो जितना दिखा देंगे मे भी उतना ही चल जाएगी पिक्चर। अब देखते हैं भाजी, पहली बार सर पे पड़ा जैसे आपने बोला कि अब दारोमदार पड़ गया है, सोचा नहीं था, फंस गए, अब क्या करें भाजी। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सके, प्लीज़ भाजी करें सपोर्ट भाजी। जी बिल्कुल। गोली से याद आया, क्योंकि आपने बताया किरदार की मैं बात करना चाहूँगा, जब आपको फिल्म के किरदार की बात, जब आपको गोली लगती है और आप व्हील चेयर पर होते हैं, सारी दुनिया कहती है कि अरे अब तो नहीं उठ पाएगा, उठ भी जाएगा तो अब खेल नहीं पाएगा, ढेरों सारी बातें होती, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था एज एन कैरेक्टर की मैं बात करना चाहूँगा? हाँ, मैं पूछता था पाजी से कि वो जो टाइम था जब सब अपने छोड़ के चले जाते हैं तो कौन कौन रह जाता है साथ, और वो जो जर्नी होती है जब खुद को भी नहीं पता होता कि यार अगर डॉक्टर ही कह रहा है मैं नहीं चल पाऊँगा, तो डॉक्टर तो मतलब हम भगवान मानते हैं कि दूसरे भगवान हैं, और डॉक्टर कह रहा है तो सही कह रहा होगा, शायद मैं सच में नहीं चल पाऊँगा यार, कितने क्वेश्चंस, कितनी रातें, क्या क्या दिमाग में आया होगा बंदे के यार, इसीलिए फिल्म का नाम सूरमा है। और हम सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है, चाहे थोड़ा कम आए ज़्यादा आए, जब हम टूट जाते हैं और लगता है कि यार शायद सच में नहीं हो पाएगा अब कुछ भी, तो वो इंस्पायर करेगी पहले तो कहानी ये। और जब मैं शूट कर रहा था तब वो सब बातें मैं सोचता था, बैक एंड माइंड पे रखता था, हालांकि वो मैं तो सिर्फ नकल कर रहा हूँ, लेकिन वो कितनी नज़दीक जा सकी संदीपा जी के, वो फिल्म देख के ही पता चलेगा। ऐवे मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, फिल्म आएगी तो अगर लोगों को अच्छा लगेगा वो सब उसके सामने आ जाएगा, तो आई एम रेडी। जी, ट्रेलर के मौके पर हमने देखा संदीप जी भी थे, आपने थे, हाँ जी, आपने उन्होंने संदीप जी ने ये ट्रेलर देखा, उनका हाँ, क्या फीडबैक था? बहुत खुश थे भाई, बहुत खुश थे वो। जब शूट भी हो रहा था, जब कभी वो इमोशनल हो जाते थे, जब गोली वाला सीन था, जब उनको लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल वाले सीन है जो, तो उनके साथ वो वैसा हुआ है, जब वो वैसा सीन देखते थे तो इमोशनल हो जाते थे, क्योंकि उनके साथ वैसे हुआ और वैसे दोबारा कर रहा है कोई, तो ऐसे लगता है कि आपको ले गए पीछे फिर 6-7 साल, तो वो काफ़ी खुश थे। उनके बड़े भाई विक्रम जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जो अंगद पाजी प्ले कर रहे हैं रोल, तो वो भी काफ़ी खुश थे, तो आई होप उनको फिल्म भी अच्छी लगेगी। जी जी जी। हॉकी की बात हो रही है पाजी, तो आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारे जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, हाँ वो जो नहीं है, लेकिन जो है नहीं, तो आप चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के जरिए आप चाहेंगे? हाँ जी प्लीज़, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे भी सिर्फ इतना ही पता था जो स्कूल में पढ़ाया गया कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है। अब गूगल पे अब भी सर्च करो तब भी नेशनल गेम हॉकी लिखा आता है, तो मैं गुजारिश करूँगा, जैसे जो उड़ीसा के CM हैं उन्होंने ये बात सबके सामने लाई,
तो उसी वे में मैं भी सरकार को गुजारिश करना चाहूँगा कि इतनी पुरानी गेम है हमारी और हम छठे नंबर पे हैं, 180 मुल्क खेलते हैं हॉकी और छठा स्थान काफ़ी अच्छा स्थान है और हमने कुछ 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में, सोने के तमगे जीते हैं, और कितने कंट्रीज़ हैं जो ट्राई करती हैं क्वालिफाई करने में जब ओलंपिक्स में, लेकिन हमारा अच्छा नाम है और इतने प्लेयरों ने इतना अच्छा किया है, ध्यानचंद जी, बलबीर सिंह जी, संदीपा जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड है, रिकॉर्ड बनाया तो तब भी हॉकी हमारी नेशनल गेम नहीं है, तो ये बुरी बात है। तो अगर जल्दी से जल्दी ये हो जाए कि हम भी कह सकें, अगर कोई हमसे पूछे भाई आपकी नेशनल गेम क्या है, तो हम भी कह सकें हमारी नेशनल गेम हॉकी है, तो अच्छा लगेगा, हम सबको गर्व हो महसूस होगा, और अपने जो प्लेयर्स ने इतनी अपनी लाइफ दी है अपनी पूरी इस गेम को, तो उनको भी अच्छा लगेगा जो रिसेंटली भी खेल रहे हैं, चाहे वो फीमेल हॉकी रानी रामपाल जी उनकी टीम खेल रही है, तो उन सबको भी प्लेयर्स को भी थोड़ा बढ़ावा मिलता है इस बात से, और हम सबको भी क्लियर हो हमारी नेशनल गेम है क्या, हमारी नेशनल गेम तो अभी कुछ है ही नहीं, जी बिल्कुल कुछ है ही नहीं। बड़ी कमाल। मुझे डाइजेस्ट नहीं होती ये बात, मुझे अभी लगता है कि ये बात झूठ है, लेकिन अभी उड़ीसा के सीएम जी ने वो ट्वीट किया और अब वो सरकारी लेटर भी लगा हुआ था, तो ऑथेंटिक है बात, वो पर ये बड़ी भयंकर बात है भाई, हाँ, क्योंकि हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया का जो मतलब हाँ और बातें भी क्या हमें गलत बताई गई स्कूल में, क्या बताई गई होंगी, शायद बताई गई होंगी। जो स्टेट जो मुल्क आपको बताना चाहता है आपको वही पता चलता है, बच्चे तो सच्ची मानते हैं, हमें तो हॉकी बोला गया तो आज तक नहीं निकल रहा दिमाग से, और सोचो क्या क्या हमें ऐसा पढ़ाया गया जो हमारे अंदर से नहीं जाएगा, जो है नहीं, जो के बताऊं तो बवाल मच कुछ ऐसा है तो जाए नो आपको नो 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 शांत। अच्छा पाजी, हम देखे ढेरों सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के ऊपर फिल्में आ रही है, संदीप जी के ऊपर आ रही है, पिछले दिनों में हमने देखा मिल्खा जी के ऊपर आई, लोगों ने अप्रिसिएट किया, MS धोनी जी के ऊपर आए, इन सारी फिल्मों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जितनी भी फिल्में आती हैं लोगों को और ढेरों सारा नॉलेज होता है। अब संदीप जी के आए ऊपर आएगी तो जो लोग नहीं जानते होंगे पता चलेगा, उन्हें भी पता चलेगा, पता चलेगा, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों बहुत के अच्छी बात लिए? है, बहुत अच्छी बात है, इंस्पायरिंग बात है। मैंने चक दे इंडिया भी देखी और धोनी MS धोनी भी देखी, भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम, ये सारी फिल्में मैंने देखी, बहुत ही अच्छी फिल्में हैं और 100% गेम का टॉक अबाउट बढ़ता है और हमें जो चीज़ें नहीं पता होती वो पता चलती हैं, और बहुत सारे प्लेयर हैं, PT उषा जी पर फिल्म बननी चाहिए, वो अभी तक पता नहीं क्यों नहीं बनी, तो ये सब प्लेयर्स और देश के जवान ये हैं हमारे रियल हीरोज़, तो इन पर फिल्में जब भी बनेंगी मैं तो ज़रूर देखूँगा, और हम सब सपोर्ट करते हैं और हम सब प्यार करते हैं हमारे देश के जवानों को और हमारे देश के जो प्लेयर्स हैं वो नाम ऊंचा करते हैं हमारे देश बिल्कुल का। बिल्कुल। इसके अलावा ढेरों सारे प्रोजेक्ट हैं आपके पास, अर्जुन पटियाला भी कर रहे हैं कुछ, अगर आप बताना चाहें कि कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस अभी आपका? वो शूट चल रहा है भाजी, अभी वो शूटिंग के प्रोसेस में है, अभी भी 2-3 दिन का शूट है, फिर अगले मंथ 2-3 दिन का शूट है, तो ऐसे कुछ शूट अभी उस फिल्म का चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ भाजी। कुछ हमने सुना है कि सनी लियोनी जी के साथ में आपका कुछ आइटम सॉन्ग होने वाला है, बताइए कुछ मैं, बताइए हाँ जी आप। हाँ जी हाँ जी, मुझे भी अभी 2-3 दिन पहले, पूरी बातें बताते नहीं ओह है दिनेश भाजी, तो अभी मुझे पता चला कि वो सनी सनी जी आ रही हैं फिल्म में, तो एक गाना है बड़ा प्यारा, तो गाना भी नहीं गुनगुना सकता, जी बिल्कुल नहीं। और बड़ा प्यारा गाना है और उनका बड़ा प्यारा रोल है जो मैंने सुना है, और बड़ा मज़ा आने वाला है। जी चलिए, वो तो तब हम देखेंगे, उसके इंटरव्यू पे बात करेंगे। 13th of July को आ रही है सूरमा, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फैन हैं, उनके लिए अगर आप कुछ। मैं बस यही कहना चाहूँगा प्लीज़ सपोर्ट करें, और आप 100% फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, फैमिली फिल्म है और कहानी में सब कुछ है, कहानी में मोहब्बत है, हॉकी है, कहानी में ट्रेजेडी है, ड्रामा है, सब कुछ है कहानी में, तो आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ बैठकर फिल्म एंजॉय करें, इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप ज़रूर इंस्पायर होंगे। थैंक यू जी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लुकिंग थैंक यू, थैंक यू, फॉरवर्ड। थैंक यू।